एलर्जिक राइनाइटिस में ये जो आपका म्यूकोजल डिफेंस मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव होता है, एक तरह का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है टू एलर्जेंस जो कि पैथोजन नहीं है, मतलब ये आपके बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है, बट आपका बॉडी उनको आइडेंटिफाई करता है एंड एक डिफरेंट तरह का इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट करता है और इस वजह से एलर्जीज होते हैं। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज अ सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस या फिर अ पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं जब आपको किसी तरह का पॉलन एलर्जी होता है, जैसे बिकॉज ऑफ द फ्लावर्स या ट्रीज, जो कुछ महीनों में होते हैं। तो इन महीनों में आपके एलर्जी सिम्टम्स आते हैं और जैसे वेदर चेंज होता है तो ये अपने आप कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस इज उस तरह का एलर्जी जो पूरे साल भर होता है। दिस इज़ मोर कॉमनली बिकॉज ऑफ एलर्जेंस जो पेरिनियली रहते हैं लाइक डस्ट माइट्स। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस तरह के चीज़ों से आपको एलर्जी है। बहुत बार ये फूड एलर्जी की वजह से हो सकता है। फूड एलर्जेंस आर ऑफकोर्स वेरी ईजी टू एवॉइड। सीजनल एलर्जी है तो किस तरह के मौसम में, द डायरेक्शन ऑफ द विंड, उन चीज़ों से यू कैन गेस की किस तरह की एलर्जी है। गोइंग अ स्टेप फर्दर, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की एलर्जी है। सो वी कैन डू अ ब्लड टेस्ट और वी कैन डू समथिंग नोन एज अ स्किन प्रिक टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट में इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट वेज एंड अ वेरी इफेक्टिव वे पता करने के लिए कि किस चीज़ की एलर्जी है। सो वी जनरली हैव अ किट विच हैज़ अ मिक्स ऑफ द एलर्जेंस मोस्ट कॉमनली जिनको जो लोगों में होता है, एंड वी यूज इट एज लाइक ड्रॉप्स ऑन योर वन ऑफ द स्किन एरियाज मोस्ट कॉमनली लाइक द फोर हैंड, एंड फिर उसके बाद उनमें हम हल्के स्क्रैचेस करके आइडेंटिफाई करते हैं विद इन अ टाइम ऑफ 15-20 मिनट्स जिस भी चीज़ की आपको एलर्जी है उसमें एक व्हील फॉर्मेशन की तरह, जैसे एक मस्कीटो बाइट के बाद आता है वैसा एक व्हील बन जाता है। इसको हम एक हिस्टामिन तरह के टेस्ट्स के साथ कंपेयर करके वी कम टू नो कि आपको किस किस चीज़ की एलर्जीज हैं। सो एलर्जिक राइनाइटिस के अगर हम कॉम्प्लिकेशंस बोलें तो इट कैन बी बिकॉज आपका नेजल पैसेज बहुत क्लियर नहीं है बिकॉज ऑफ द एलर्जीज, आपको पेन हो सकता है, इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस वायरल या बैक्टीरियल ऑफ द नोज एंड साइनस विच इज़ इन्फेक्टिव राइनोसाइनोसाइटिस, इसकी वजह से आपको हेडेक्स, देन फेशियल पेन स्पेशली द साइनस रीजन्स, मैक्सिलरी इथमोइड फ्रंटल, प्रेशर इन द आईज, हैवीनेस इन द आईज, या फिर ईयर कॉम्प्लिकेशंस लाइक फ्लूइड इन द ईयर और पेन इन द ईयर्स, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एस्थमा, जैसे इट इज़ द सेम नेजल ट्रैक्ट, द सेम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम योर नोज, योर लारिंग्स और विंड पाइप, ट्रकिया एंड योर लंग्स। सो पेशेंट्स हु हैव एलर्जिक राइनाइटिस दे कैन हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एस्थमा। हैविंग सेड दैट, अ गुड कंट्रोल ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस can also lead to a good control of asthma. With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practo.